औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माओ, बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अपने रब के फजल से, जो हम सबका मालिक व खालिक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह से मैं भी अपनी फैमिली के साथ खैरियत हूँ। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हेल्थ रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहें और आप लोग इससे फैज़याब होते रहें और आप इसके बेनिफिट से महजूज़ होते रहें। ये वो चीज़ें जो मैं आप लोगों को रोज़ाना डिस्कस करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी कीमती लम्हात निकाल के मेहनत करके अल्लाह रब करीम की रज़ा के लिए सबसे पहले ये जो मैं पढ़ता हूँ और आप लोगों के लिए मैं ये चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ, इसका फ़ायदा मेरी ज़ात पे होता है क्योंकि मैं पहले ख़ुद प्रैक्टिकल करना शुरू कर देता हूँ। और बड़े बड़े रिसर्चर ने रिसर्च की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ में, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, जिसमें बड़े बड़े पैनल्स बनते हैं, बिलखसूस फार्मासिस्ट, फार्म डी का बहुत बड़ा रोल होता है और फार्म डी मेडिसिन एक्सपर्ट्स हैं जो इन चीज़ों को डिवेल्प करने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इसके साथ साथ इनके साथ केमिस्ट भी होते हैं जो कि माशाल्लाह किन्हें हम कीमिया कर कहते हैं। इसके साथ साथ इनके साथ MBBS डॉक्टर्स, फिजिशियंस भी होते हैं। इनके साथ साथ और भी बहुत सारी टीम काम करती है, सारे दिन रात मेहनत करके, ये रिसर्च करके ये इतनी सारी चीज़ें डिवेलप करते हैं और ये हम तक पहुँचती हैं और जिनसे हम भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। स्किन को चमकाने की बात हो रही थी पिछले टॉपिक्स में, अब मैं एक और फॉर्मुलेशन आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। ये स्किन को चमकाएगी तो चमकाएगी, मगर आपके ऊपर स्किन पे एंटी एजिंग का ऐसा इफेक्ट आएगा, आप इंशाल्लाह अगर करते रहेंगे तो 100 साल भी अल्लाह आपको उम्र दे तो आप चेहरे से कभी नहीं लगेंगे, आप 100 साल के लगेंगे 25-30-35 साल के। ज़रा गौर से सुनिएगा मैं जो कहने जा रहा हूँ, वीडियो को आखिर तक सुनिएगा, नहीं सुनेंगे तो जो अहम चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ महरूम रह जाएंगे, फिर कोई फ़ायदा ना होगा। आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने 9 to 10 ड्रॉप्स अपने विटामिन ई ऑयल के लेने हैं, वो ऐड कर देने हैं। उसके साथ साथ आपने 9 to 10 ड्रॉप्स क्लोनजी के ऑयल के लेने हैं, वो ऐड कर देने हैं। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, हाफ लेमन का जूस ऐड कर देना है। और उसके साथ आपने क्या करना है, आपने अंडे की सफ़ेदी तो सब में चल रही है, अंडे की सफ़ेदी ले लेनी है, इसको मिक्स कर लेना है, इसका मास्क बना लेना है, इसको थारोली मिक्स करना है, इसका इमल्शन तैयार कर लेना है। जब आपका इमल्शन तैयार हो जाए, आपने चेहरे को अच्छी तरह धो लेना है। मैं अर्ज करूँ इनके न्यूट्रिशन फैक्टर्स में बारह बता रहा हूँ, इनमें जिंक भी है, विटामिन सी भी है, इनमें विटामिन बी कम्प्लेक्स भी है जिसमें फॉलिक एसिड है, फॉलेट विटामिन, इसको हम B9 कहते हैं गलबन, B7 और B1 भी है, B2 भी है, B12 भी है, और इसके अंदर जिंक भी है, आयरन भी है, इसके अंदर विटामिन सी भी है, इसके अंदर मैग्नीशियम भी है, मिनरल्स भी हैं, इसके अंदर अंडे के अंदर, इसके अंदर आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी है, बाकी जो तमाम चीज़ें हम ऐड करें वो सारी भी इन्हीं चीज़ों से माला माल हैं। मास्क बना के अपने चेहरे पे लगा लीजिए, 25 मिनट्स इंतज़ार कीजिए, शाम में की करा करें, सुबह आप लोगों को बिज़ी होना होता है, आप अपने ऑफिस में काम पे जा रहे हैं, बिज़नेस पे जा रहे हैं, हमारी बहनें जो है जॉब पे जा रही हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं वो घर बैठ के दिन में कर सकती हैं आराम से। लेप चढ़ा लीजिए, लेप चढ़ाने के बाद 25 मिनट का इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार करने के बाद, इसलिए इंतज़ार का कहा जाता है कि इसको जितना ज़्यादा टाइम देंगे, तमाम न्यूट्रिशन फैक्टर आपकी स्किन के पोर से ही अब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे। जब अब्ज़ॉर्ब होंगे तो आपकी स्किन की जो प्रोडक्शन है वो इन चीज़ों की डेफिशिएंसी की वजह से ख़राब हो रही होती है, लटक रही होती है, आपकी स्किन झुरियाँ पड़ी होती हैं, तो आपके सेल की ग्रोथ शुरू हो जाएगी, डेड सेल्स रिमूव हो जाएंगे और कोलेजन बनना शुरू हो जाएगी जो स्किन में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो आप स्किन टाइट हो जाएगी, चाहे लचक आ जाएगी उसके अंदर, लटकना जो है लटक रही है जो वो ऊपर चली जाएगी और ब्लैक सर्कल्स ख़त्म हो जाएंगे आपके और चेहरा आपका चमक जाएगा चौदहवीं के चांद की तरह, जैसे सोने का ताज होता है ऐसे चमक जाएगा। और ये ज़बानी बातें नहीं करें, जस्ट एक महीना करें लेकिन इसको कंटिन्यू करें और एक महीने में इसके अच्छे खासे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। मेरा कॉमेंट सेक्शन में मुझे आगाह कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और जिन भाइयों के दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे सब्सक्राइब करवाएं ताकि ये हेल्थ रिलेटेड नोटिफिकेशन सब तक पहुंचते रहें और इन चीज़ों से माला माल होते रहें। हमारी जो माएँ बहनें बिलखसूस स्किन के प्रॉब्लम से बड़ी परेशान होती हैं, आप उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और वीडियो को सुनें और जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ उन पर अमल करें, और वो ख़ुद मुझे कॉमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह आगाह करेंगी कि हमारी स्किन कैसी थी, कैसी हो गई,
और वो दुआएं देंगी इंशाल्लाह, और मज़ीद वो अपने नई चीज़ों के बारे में मुझसे डिस्कस करेंगी और सब लोग करेंगे, क्योंकि जब दिखता है तो फिर सब लोगों को सब नज़र आता है कि नहीं ये चीज़ अथेंटिक है। बाकी नॉन प्रोफेशनल लोगों की बातें ना सुना करें, जो प्रोफेशनल लोग हैं यूट्यूब पर बहुत बंझे हुए डॉक्टर्स बैठे हैं, स्पेशलिस्ट बैठे हैं, ज़रूर सुना करें, और अच्छी बात है, वो बहुत बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं, मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए टॉपिक तैयार करते हैं, मगर जो ऐसे नॉन मैट्रिक अंडर मैट्रिक जो जिनकी फील्ड नहीं है बैठ गए हैं, प्लीज़ उनसे अवॉइड करें, आपको नुकसान होगा, क्योंकि वो गलत चीज़ें बता देंगे जो आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह।